इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पीने से लड़के का फेफड़ा फट गया। मौजूदा दौर में नौजवान नस्ल नशे की नई लत में मुब्तला हो गई है। अब तंबाकू नोशी के लिए जदीद ई सिगरेट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। बर्तानिया में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पीने के बाद 17 साल लड़की कायला का फेफड़ा फट गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने 5 घंटे का तवील ऑपरेशन किया। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को ई सिगरेट या वेपर सिगरेट भी कहा जाता है। ये बीड़ी से चलने वाली एक ऐसी डिवाइस है जिसे बिल्कुल सिगरेट की शक्ल दे दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट में तंबाकू नहीं होता बल्कि निकोटीन और दीगर लोकाइंट केमिकल मौजूद होते हैं, जो किसी भी तरह आम सिगरेट जैसी नहीं बल्कि उसके नुकसानात और भी ज़्यादा है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी शहरी मार्क बेल्थ इस वक्त हैरान रह गया जब उसने अपनी 17 साल बेटी कायला को दर्द में मुब्तला देखा, जिसके बाद लड़की को फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाया गया तो पता चला कि उसका फेफड़ा इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की वजह से फट गया है। बरतानवी अखबार के मुताबिक डॉक्टरों ने उसके वालिद को बताया कि उनकी बेटी का 5.5 घंटे तक जारी रहने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की शदीद तंबाकू नोशी के बाद फेफड़ों का कुछ हिस्सा पंक्चर होने के बाद निकाल लिया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से हवा का एक छोटा सा छाला फट जाता है, जिसे पल्मोनरी बल्ब कहा जाता है। पल्मोनरी बल्ब के फटने की वजह से उसे तकरीबन फालिश का दौरा पड़ा था। डॉक्टरों के अंदाज़ों के मुताबिक कायला ई सिगरेट का इस्तेमाल करते हुए 1 हफ्ते में 400 सिगरेट के बराबर सिगरेट पीती थी। लड़की के वालिद ने कहा कि जो हुआ उसने मुझे खौफजदा कर दिया, मैं एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगा। मेज पर उसकी नज़र ने मुझे फाड़ दिया। ऑपरेशन के दौरान उसे मुर्गी का दौरा भी पड़ा। मैंने सोचा कि मैंने अपनी बेटी खो दी है। मुझे उम्मीद है कि हर कोई तंबाकू नोशी बंद कर देगा, इस सिगरेट का कोई फ़ायदा नहीं है। एक्शन ऑन स्मोकिंग एंड हेल्थ के मुताबिक ई सिगरेट की मकबूलियत में तेज़ी से इजाफा हुआ है और इन लोगों की तादाद जो कहते हैं कि उन्होंने आजमाया है 2023 में तकरीबन 20% तक पहुँच गई है।